ताजा मामला जिला कौशाम्बी ब्लॉक मूरतगंज का है। इस गांव की हालत ऐसी देखने को मिली है कि गंदगी का पूरा गांव में अंबार लगा हुआ है। इस गांव में ज्यादातर लोग मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, गंगा माँ की गोद में रहकर गुजारा करते हैं। इस कुरई गांव में शौचालय आवास के नाम पर वसूली धड़ल्ले से चल रही है। प्रधान पति देशराज पासी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की मिलीभगत से फोटोग्राफर के साथ फर्जी फोटोग्राफी करके गंगा किनारे बसे कुरई गांव वालों से पैसा वसूल किया गया। गांव वालों के कथानुसार उनका आरोप है कि हर घर से 500 रुपए लैटरिंग और आवास के नाम रुपया वसूला गया है। कॉलोनी के विषय मैंने बुला के सेक्रेटरी को 500 रुपए सबसे लिया गया, आज तक कोई कितने दिन पहले लिया गया, 4 महीने में ऊपर से ग्राम प्रधान से मिले हो? सबसे उन्हीं ने भेजा, खुद स्वयं लेते आए। ग्राम प्रधान क्या बोल रहे हैं? वो तो बोलते आएगा, जब पता नहीं कब आएगा। हमारे पीछे भरी भरी पैसा किसके हाथ में आपने दिया था? कैमरा मैन था और सेक्रेटरी के हाथ में दिया गया था 500। रिश्वत भी दिया तब भी ये चीज़ नहीं आया। कितना दिए थे? 500। सेक्रेटरी कौन है? अरे उसका नाम हमको नहीं मालूम है। ग्राम प्रधान के सामने दिए हैं? हाँ, प्रधान खुद बोल के दिलाया वो। ग्राम प्रधान दिलाया? चलो हमका कुछ नहीं दिए हैं, बुढ़ापा हैं, कुछ। ग्राम प्रधान से आप लोग बात किए हैं? हाँ किए हैं। क्या बोल रहे हैं ग्राम प्रधान? क्या कहते हैं कि अरे यहाँ ग्राम प्रधान का क्या नाम है? देशराज। और आगे? और आगे क्या कर जानी चाहे? उनकी पत्नी है ना प्रधान? हाँ, बहू से कहा है। हाँ हाँ अम्मा, हाँ हाँ। और ये लैटरिंग? कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। आप सयान हैं, आप बोलिए। आप सयान हैं, आप बोलिए। हम तो कहीं थे साहब, कुछ नहीं मिला। कच्ची दीवार खड़ी, उसकी कुछ नहीं ला। खड़े हुए खूनी संडास भरदाई दिए नहीं, बस हमका संडास हम नहीं मिले, कुछ नहीं मिले हम लोग, कुछ नहीं। कितने आदमी जो है नहीं पाए हैं? लगभग कुछ गिनती है? गिनती में बताओगे? 100-200 आदमी? किसी कॉलोनी नहीं मिली है? लेटरिंग भी नहीं मिली है? नहीं है।